स्टूडेंट वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अपने चैनल पर आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जब कोई मैटर या मैटर का पार्टिकल एक मोशन करता है तो एक साइंटिस्ट का नाम आता है डी ब्रोगली। हम आप लोगों के लिए फोटो लेके आए हैं, फोटो देखिए, दर्शन करिए। और इन्होंने बताया ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसमें दो तरह का नेचर होता है। लगभग लगभग बात है 1824 की डी ब्रोगली के बारे में। ठीक है, इन्होंने बताया कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें दो तरह की नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ड्यूअल नेचर का मतलब आप लोग समझते हो ना, दो तरीके का नेचर। ओके, ये जो वर्ड है ड्यूअल, इसका मतलब है टू। ओके, द नेचर ऑफ टू टाइप। तो इन्होंने क्या कहा कि व्हेन एवर ए पार्टिकल इज मूविंग इट हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं एक बॉल लू और बॉल को अगर हम मोशन में फेंक देते हैं तो वो कैसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है भाई, ऐसे जाके कहीं जाके थोड़ी बहुत देर में रुक जाती है। तो आप कहोगे सर देखो वेव तो बन रही है और बॉल एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ पार्टिकल के हिसाब से होगी। तो यहाँ पर बच्चों वेव नेचर देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखना। इस ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल का हमारी डेली लाइफ में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यूअल नेचर आपको जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं जैसे बॉल है ना, कोई और ऑब्जेक्ट है, वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर पार्टिकल नेचर तो मिलता है लेकिन वेव नेचर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मास होता है पार्टिकल्स का वो ज्यादा होता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली या ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ये सिर्फ जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहाँ पर अगर ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये पार्टिकल अगर मोशन में कर रहे हैं तब इनमें वेव नेचर भी देखने को मिलता है और इनमें पार्टिकल तो खैर है ही है सर, तो पार्टिकल भी नेचर होगा। तो इसी नेचर को क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो क्या बताया, हम लिख भी सकते हैं इनको, इन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डी ब्रोगली सेड दैट ए पार्टिकल, ए माइक्रो पार्टिकल लिखिए, चलो ज्यादा अच्छा रहेगा। माइक्रो पार्टिकल का मतलब समझिए कोई छोटा पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है, ए माइक्रो पार्टिकल इन मोशन हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ओके, अगर कोई माइक्रो पार्टिकल है तो उसमें अगर वो मोशन में है तो उसमें वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा, उसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, इसी को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल। ओके, इतनी बात समझ गए सर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, दो तरीके का नेचर, कि जब कोई माइक्रो पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वगैरह मोशन में है तो उसमें दो तरीके का नेचर देखने को मिलेगा, एक वेव नेचर भी होगा और एक पार्टिकल नेचर भी होगा। अगर पार्टिकल में वेव नेचर है, वेव नेचर है तो वेव के अकॉर्डिंग हम जानते हैं वही जो एनर्जी होनी चाहिए, प्लैंक थ्योरी में हमने बताया था ई इक्वल टू एच न्यू, किसके लिए, फॉर वेव के लिए। ठीक है, न्यू की जगह पर हम लिख भी सकते हैं एच इक्वल ई इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, राइट। पिछले वाली वीडियो से ये बात आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। लेकिन अगर पार्टिकल नेचर है तब आइंस्टाइन ने बताया था ई इक्वल एम सी स्क्वायर, कि अगर कोई माइक्रो पार्टिकल मोशन में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई इक्वल एम सी स्क्वायर। कहां से, किसके लिए है ये वाला, ये पार्टिकल नेचर के लिए है। तो दोनों फॉर्म में उनमें लगा लिए कि सर वेव नेचर है तो एनर्जी इतना होना चाहिए, E equal H C upon lambda प्लैंक के अकॉर्डिंग। और अगर पार्टिकल है तो E equal क्या होना चाहिए, mc square आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें स्टूडेंट तो मैं लिख सकता हूं mc square equal H C upon lambda, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा, एच अपॉन एम इंटू सी।
अगर आप लोगों को पता हो m मास होता है, c वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं h अपॉन m, v राइट कर सकता हूं अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तब तो c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड लगा दोगे, अगर कोई और पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी आपको पता करनी हो या दी जाए तो आप वहां पर v लगाइएगा, और मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, पी आई होप आप लोगों को पता हो सर, पी क्या होता है मोमेंटम होता है, और मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मूले हमने निकाले हैं इन फॉर्मूले को बोला जाता है डी ब्रोगली इक्वेशन। ओके, चाहे इसको याद कर लो, चाहे इसको याद कर लो, और चाहे ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इन तीनों ही इक्वेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। चलो लिख भी देते हैं इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो अगर एकदम पूछे कि डी ब्रोगली इक्वेशन बताओ तो सीधे सीधी बात बता देना लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, या पी की जगह पर आप बता देना एम वी, अगर कोई पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो आप बताना वहां पर लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम इंटू सी। ओके, तो ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल में बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल कैसा होना चाहिए, माइक्रो पार्टिकल होना चाहिए। जो मैक्रो पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, तो वहां पर वेव नेचर देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सर वहां पर मास ज्यादा होता है। माइक्रो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनका मास सर बहुत कम होता है, तो यहाँ पर वेव नेचर तो आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों तरीके का नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। वेव नेचर के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले को कंबाइन किया तो जो इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ गई इसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं इन फॉर्मूले पर बेस। ओके, पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट डी ब्रोगली इक्वेशन के ऊपर, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ। जो वेवलेंथ निकल के आती है उसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 केजी। आपको एक बॉल दिया गया है जिसका मास गिवन है 0.1 केजी, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेवलेंथ होगी वो आप लोगों को पता करनी है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए डी ब्रोगली इक्वेशन में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो था लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, वी लिखिए या फिर सी लिखिए, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो सी लिखा जाएगा, मोमेंटम है तो सर एच अपॉन पी भी लिखा जा सकता है। तो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वेवलेंथ कितनी निकल के आती है। प्लैंक कांस्टेंट अब तक सबको याद होना चाहिए 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ओके, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया गया है तो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में आप लोगों के जब पेपर आते हैं तो पेपर के फ्रंट पेज पर सारे कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को गिवन होती है, तो अगर ये याद भी नहीं हो रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, मास कितना है 0.1 एंड वेलोसिटी आप लोगों को गिवन है 10। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो चुका है तो लैम्डा कितना हो गया 66, ये माइनस 34 है, ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा पावर माइनस 35 मीटर। आप देख सकते हो माइनस 35, तो सर माइनस 35 का मतलब यहाँ पर ये कितने जीरो होगा 0.00000033 0, फिर 66, तो बहुत छोटी वेवलेंथ है जो कि नेगलिजिबल रहती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हमने आप लोगों को पता करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर ले रहे हैं, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। ओके, काइनेटिक एनर्जी गिवन है और वेवलेंथ आप लोगों को पता करनी है। तो चलो काइनेटिक एनर्जी कितने गिवन है, पहली बात तो मास गिवन है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है कितनी है जरा हम देखेंगे भाई क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर भी आ रहा होगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल। ठीक है, और आपको पता करना है स्टूडेंट वेवलेंथ। ठीक है,
तो वेवलेंथ पता कर लेते हैं। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब लोगों को याद होना चाहिए कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² छोटी छोटी क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया जाता है 9th में 10th में। ओके जरा इसको सॉल्व करते हैं। मास आपको गिवन है 9.1 × 10⁻³⁻¹। वी स्क्वायर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू हो गई 6 × 10⁻²⁵। हमारा मिनिमम क्या है, वी को कैलकुलेट करना। वी कैलकुलेट हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा हमको पता चल जाएगा। ठीक है सर लगा देते हैं। वी स्क्वायर इक्वल 6 × 10⁻²⁵ अपॉन 9.1 × 10⁻³⁹। ठीक है, मैंने कैसे बताया था सबसे पहले आप लोग पावर्स को सॉल्व करिए, पावर्स को सॉल्व करोगे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, यहाँ से एक डेसिमल हटा के जीरो लगा लिया है बस। ठीक है, ये पावर है -25 और ये पावर है -31। ये -31 पावर ऊपर पहुंचेगी तो कितनी हो जाएगी, +31 हो जाएगी। तो -25 एंड +31 कितना बचेगा पावर, पावर बचेगी बच्चों 6। ठीक है, अब ये 60 है और ये 91 है, तो चलिए देखते हैं। डिवाइड तो होगा नहीं तो यहां से हम दो जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, कितनी जीरो लगा ली है, दो। दो जीरो लगाने का रीजन आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा कि यहाँ पर स्क्वायर है, जब रूट लगाएंगे तो पावर इवन नंबर में होनी चाहिए। एक जीरो लगाते तो पावर 5 होती, उसका रूट निकालना पॉसिबल होता लेकिन टफ होता, तो इसको आसानी से हम। अब ये वैल्यू 6000 है और ये 91 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू समथिंग समथिंग आनी चाहिए भाई। 6000 को आप 90 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए स्टूडेंट 65 के आसपास होनी चाहिए, 65.9 या 65.8 कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए। आप लोग डिवाइड करके कैलकुलेटर से चेक कर लेना कि हमने सही लिखी है। अब अंडर रूट लेते हैं, सब लोगों को पता है सर स्क्वायर को हटा लेते हैं तो अंडर रूट लग जाता है 10⁴। ठीक है, अब 65 का अंडर रूट कितना आएगा सर, 64 का अंडर रूट होता है 8, ये 65 है तो 8.1 या 8.2 ऐसा कुछ इसका रूट होना चाहिए। और 10⁴ का रूट कितना हो जाएगा, 10⁻², ये निकल के आ गई वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो वेलोसिटी निकालना नहीं था, हमको निकालनी थी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम वी, ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। लैम्डा आपको पता करना है, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻³⁴। मास आपको गिवन है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³⁹। और वेलोसिटी अभी अभी आपने पता की 8.1 × 10⁻² 8.1 × 10⁻². ओके, अब जरा इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। पहले डेसिमल से, ये डेसिमल हट गया, 66 91 8.1, पावर कितनी होगी, देखो ये पावर है -34 बच्चों। ठीक है, सबसे पहले -34 है, ये पावर 2 ऊपर पहुंचेगी तो -2 हो जाएगी, और ये पावर -31 है ऊपर पहुंचेगी तो +31 हो जानी चाहिए। तो पावर कितनी बचनी चाहिए, -36 एंड +31, तो कितना बचेगा 10⁻⁵। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा के एक जीरो लगा लिया, अब इसको आप इसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, और इसमें डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको बता दो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, और इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने हैं डियर स्टूडेंट, ये सब आप लोगों की एनसीईआरटी बुक के हैं, एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। अब फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी बुक का ही, क्वेश्चन नंबर है 20। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गिवन है मूविंग विद वेलोसिटी 2.05 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन है, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसकी वेवलेंथ बतानी है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन का मास याद होना चाहिए स्टूडेंट, और नहीं याद है तो फिर से वही बात कहेंगे हम कि क्वेश्चन में दिया जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
9.1 × 10⁻³⁴ इस चैप्टर का जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो हमने बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है, ये सारी बातें हमने आप लोगों को बताई हुई है। ओके, चलो मास दे रखा है, आपको पता करना है वेवलेंथ। तो फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल एम वी लैम्डा इक्वल एच 6.6 × 10⁻³। मास आप लोगों को पता है 9.1 × 10⁻³। एंड वेलोसिटी गिवन है स्टूडेंट 2.05 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब इन सारी वैल्यू को हम कैलकुलेट करना भी आप लोगों को बता देते हैं फटाफट से। देखिए लैम्डा इक्वल, ये डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, 66, 91, 2.05 पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर है बच्चों -34। ठीक है, ये भी पावर -34 है और ये भी पावर -34 है। ये हमने 34 गलत लिखा हुआ है स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो -34 नहीं होता है, -31 होता है। ठीक है, तो कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, हम इसके लिए जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन हम उसको सही भी कर लेते हैं, जैसे ही कैलकुलेशन होगी तुरंत हमने सही भी कर लिया। तो -34 एंड +31, ये माइनस है ऊपर जाके प्लस होगा और ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस होगा, तो कितना हो गया भाई, -34 एंड -7, -41 एंड +31। तो वैल्यू आनी चाहिए 10⁻¹। ठीक है, यहां से दो जीरो पॉइंट हटाया और दो जीरो हमने लगा लिए। ठीक है, अब जरा फटाफट से आप लोग अपनी अपनी मल्टीप्लाई करने की और डिवाइड करने की शक्ति हमको दिखाओ। ठीक है, कि कितनी शक्ति से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और जल्दी से हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है।